तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल। आप देख रहे हैं इसे टेली को आपका चैनल। ये है हमारे 28 फरवरी का बैच। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, ये वीडियो हमारा हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि हम दिखाते हैं कि 5 दिन में हमने कितना हमारे स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको रिबॉलिंग आती है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप लोगों ने रिबॉलिंग यहीं सीखी है कि यहीं सीखी आपने? ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं, किस किस ने यहां पे लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगा के उसको चालू किया हुआ है, यहां पे बताइए। आप सभी ने एक चालू हैंडसेट में सीपीयू निकाल के लगा के किया हुआ है। चलिए ठीक है, आप मुझे वो बताइए कि किसने 2 बार से 3 बार से ज्यादा बार किया हुआ, हाथ खड़े करके बताइए। एक बार अपने नंबर बताइए खड़े होकर, जल्दी जल्दी। दो बार नंबर बताइए खड़े होकर। तीन बार सर। 6 बार किया आपने? आपने सही में 6 बार किया है, फेक तो नहीं है? दो बार। तीन बार। चार बार। यहाँ पे बताइए। तीन बार किया आपने? तीन बार किया है। दो बार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, पीछे बताइए। एक बार किया है। 10 बार किया है तुमने, पक्का? यहाँ पर सर मैंने 10 टाइम्स बार किया है। सात बार किया। आप बताइए, आप में से जो आप लोग कह रहे हैं 2 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, ऐसा आप पहले करते थे क्या कभी? नहीं। ये आप कहाँ आके सीखे हैं? एशिया टेलीकॉम में सीखे हैं। यहाँ आपको कितने बजे से टाइमिंग है? आपकी सुबह कितने बजे बुलाते हैं हम? और शाम तक और कब, शाम को कब भेजते हैं यहाँ पर? 8 बजे भेजते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर देखा जाओ तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ ऑल कॉम्पोनेंट की। हमने 5 दिन में कॉम्पोनेंट भी सीखे। सो मैं जो जो हम बोलेंगे एक साथ बोलेंगे। रजिस्टर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? फ्यूज रजिस्टर। चौथा कौन सा? और पांचवा कौन सा? छठवा कौन सा? वीडिया और थर्मिस्टर। अगर थर्मिस्टर ढूंढने और वीडिया ढूंढने का बोलूं तो आप ढूंढ सकते हैं उसको? प्रैक्टिकली चेक करना पैलर है या सीरीज है, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक रजिस्टर लीकेज लोग नहीं चेक कर पाते हैं। कौन कौन लीकेज चेक कर सकता है यहाँ पर? रजिस्टर लीकेज, ठीक है, याद है? दारू वाला आदमी, दारू पिया आदमी। सो अगर मैं बात करूं कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? और हमने कौन से देखे? नॉन पोलर की पोलर सबसे ज्यादा लगे होते हैं। कैपेसिटर सीरीज में भी होता है और पैलर भी होता है। सर आपने अब तक पैलर की कहानी तो सुनी होगी, क्या आपने सीरीज समझ चुके हैं कि नहीं समझ गए कि सीरीज क्यों लगा होता है? और आपने सीरीज में प्रैक्टिकल भी कल देखा था कि नहीं? सीरीज की अगर हम बात करेंगे आगे, मैं कुछ सेक्शन भी पूछूंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं डायोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के डायोड होते हैं। देखिए इस बार मैं यहाँ पर एक एक करके खड़ा करके भी पूछ सकता हूँ, बाद में मैं अजय खड़े हो जाइए। बताइए डायोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? नॉर्मल होता है, जिनर होता है और एलईडी होता है। एलईडी होता है। डायोड की टेस्टिंग क्या होती है? डायोड की टेस्टिंग 120 से 900 के बीच में आनी चाहिए। ये तो रीडिंग हो गई। और एक साइड से दिखाना चाहिए रीडिंग, एक साइड से नहीं दिखाना। अच्छा मैं बताऊं कि डायोड हमारे फोन में पैलर भी होते हैं और सीरीज भी होते हैं। सो दोनों के अलग अलग काम होते हैं। अगर पैलर लगा देंगे तो क्या काम करेगा? पैलर लगा देंगे तो प्रोटेक्शन के लिए। और सीरीज लगा देंगे तो क्या काम होगा? AC to DC कन्वर्टर करेगा। सो ये चीज यहाँ पर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर क्या सोचा था कि मैं 5 दिन में इतना सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा? पहले दिन आपकी क्या सोच थी, अब क्या है थोड़ा सा बताइए? अभी डीपली नॉलेज कंपोनेंट में मिल गया है। अभी सर्किट हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत यूज हो रहा है सर, बहुत यूज हो रहा है। ट्रेसिंग क्लियर हो रही है यहाँ पर? अगर मैं तुमको कोई भी मोबाइल दे दूं और बोलूं कि रिंगर सेक्शन को ट्रेस करो तो ट्रेस कर सकते हो? रिंगर के GR हो गया, IC के अंदर के, या फिर उसका EN सिग्नल हो गया, या प्राइमरी लाइन हो गई, या फिर उसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी हो गई जिसमें सीरीज कैपेसिटर होते हैं, तो सब ट्रेस कर सकते हो? आप सब ट्रेस कर सकते हैं क्या? क्या कहना चाहोगे एसर टेलीकॉम के लिए कि क्यों ज्वाइन किया आपने और क्या आपका डिसीजन सही था क्या? यस सर, डिसीजन सही था। सबसे बेस्ट मुझे यही मिला है सर, सबसे बेस्ट। एक्चुअली मैं देख देख के सिखाऊं पर ये क्यों कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं था ये क्यों कर रहे हैं एक्चुअली, तो आज पता चला है कि ये क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? उमेश। उमेश कहाँ से आप? उदयपुर राजस्थान। उमेश से बताइए कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। अगर मैं ट्रांजिस्टर की उसकी बात करूँ वर्किंग की, तो क्या वर्किंग होती है?
सर वो एक तरफ तो स्विचिंग का काम करता है, वेरी गुड, रेगुलेटिंग करता है और एम्पलीफाइंग, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बताया गया इन्होंने, स्विचिंग भी करता है, रेगुलेट भी करता है और एम्पलीफाई भी करता है। आज हमारी मोबाइल फोन में ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लगे आ रहे हैं, रीजन क्या है सर? वो आईसी के अंदर, क्योंकि वो आईसी के अंदर आ रहे हैं। सो कल आपने देखा रिंगर आईसी भी एक ट्रांजिस्टर का काम कर रही है। रिंगर आईसी कैसे स्विचिंग और रेगुलेट करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे सर? ईएन पे वोल्टेज आ रहे हैं, वो उसको स्विच करके आगे पहुंचा रही है। वो ईएन को वोल्टेज आ रहे हैं, वो एक्टिव कर रही है, वो प्राइमरी को स्विच करके वो आपके आउटपुट में वोल्टेज दे रही है। कितना वोल्टेज आता है अगर मैं रिंगर के टिप्स की बात करूं तो? सर रिंगर पे एक तो 4 वोल्टेज तो आएगा अपने, नहीं वो तो आईसी पर हो गया, मैं सिर्फ रिंगर टिप्स की बात कर रहा हूँ। रिंगर टिप्स पे सर 1.2 से 3 वोल्टेज रन, 1.2 से कितना वोल्ट आना चाहिए? अच्छा, और तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिला यहाँ पर, सीखने को मिला। मैं सच बताऊँ की कितने साल का नॉलेज है पहले से? इससे पहले 2-3 साल का नॉलेज है। अगर आप ये 2-3 साल पहले कर लेते तो क्या होते आज? आप बहुत कुछ कर सकते थे। सो ये मुझे बताइए की अपडेट होने के, एक टेक्नीशियन अगर मोबाइल फोन बना रहा है तो क्या उसको दुकान पर बैठ के यूट्यूब से सीखना चाहिए या इंस्टीट्यूट भी आना चाहिए? इंस्टीट्यूट आके सीखना चाहिए, इससे हर एक चीज का पता पड़ता है कि वो किस चीज को क्यों कर रहा है। मतलब हमें लोगों को ये लगता है अगर किसी एक इंस्टीट्यूट जाकर वो काम नहीं कर पाते हैं तो सारे इंस्टीट्यूट उनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, पर क्या ऐसा होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? इसे टेलीकॉम का क्या फीडबैक है? सर बहुत 100% फीडबैक है, यहाँ पर आके कोई भी रिपेयरिंग सीख सकता है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी सीख सकता है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? अजीत। थोड़ा आगे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाइए अजीत। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि हमने कॉइल बताइए, कॉइल कितने प्रकार के बताए हमने? चार प्रकार के कॉइल बताए हमने यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, चार प्रकार में से किस कॉइल में हम जंपर मार सकते हैं और किस में नहीं मार सकते, सिर्फ इतना बताओ। ड्यूअल पैकेज में जंपर मार सकते हैं, बाकी और किसी में जंपर नहीं मार सकते। अभी लोगों यही सोचते रहेंगे नहीं यार हमने तो मारे और वर्क भी हुआ है, पर हमें पता है कि वो वर्क कब तक होगा। सर मैं आपको बताऊं कि अगर ड्यूअल कॉइल है तो वो कहां लगे मिल सकते हैं आपको? कैमरा कनेक्टर पे और डिस्प्ले कनेक्टर पे। और उसकी सप्लाई का भी नाम आपको बताया था, उसकी सप्लाई का नाम क्या है? MIPI मोबाइल इंडस्ट्री फोन प्रोसेसर। अगर मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, तो ये लाइन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों जाती है, तो सर्किट का नॉलेज कैसा मिल रहा है मुझे आपसे बताओ? कंपोनेंट की तो बात सही है, सबको आ रहा है, सर्किट का नॉलेज कैसा मिल रहा है? मतलब जो सोच कर आए थे वो मिल रहा है यहाँ पर, उससे बहुत आगे। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या कहां पर, ये बताइए एशिया टेलीकॉम आपने जो ज्वाइन किया यहाँ पर, क्योंकि आपके भी बहुत पहले से फीडबैक थे, तो आप ये बताओ आप सेटिस्फाई हो यहाँ पर? 100% सेटिस्फाई हो। थैंक यू वेरी मच, इनकी जोड़ा तरी बताइए। अगर मैं यहाँ पर आपको उठाऊं, मैं आपसे पूछा होगा मेरे पास एक फोन आ रहा है जिसमें बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी एरर, तो वो एरर किसकी वजह से आ सकता है? BSI का एरर पूरा क्लियर करवाया आप लोगों को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बैटरी एरर आ रहा है और बैटरी पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, उसमें कोई भी सीरीज कंपोनेंट नहीं लगा है, तो मैं जो जुगाड़ वो मैं कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ बताइए? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। तो ये हमारा जो फॉल्ट है वो जा सकता है। बाकी अगर नहीं गया तो फिर किस आईसी पे काम करना है पता है आपको? अगर मैं आपसे बोलूँ अगर मेरा बैटरी उखड़ गया तो अगर मेरे पास को मोबाइल फोन ऑन कैसे कर पाऊंगा मैं? मतलब उसके लिए मुझे सप्लाई क्या क्या नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर? वहाँ पे सर तीन चीजों के नॉलेज होना चाहिए, एक तो सर है टिप्स का नॉलेज होना चाहिए, सप्लाइयां कंपोनेंट्स का नॉलेज। तो ये अभी आपको अभी तक जितने भी क्लास आपको मिली है, आज हमारे डिस्प्ले और ग्राफिक्स का सेक्शन है, टच और कैमरे का सेक्शन है, ये अब इससे पहले जितने भी सेक्शन है ये आपके डाउटफुल अभी तक क्लियर हुए या डाउटफुल में रहे? क्लियर रहे यहाँ पर? कैसा लगा रही है टेलीकॉम का सफर अभी तक का? मैं कोलकाता से यहाँ आया हूँ, मेरे पास बोलने का भाषा ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर हमारे आईफोन भी क्लासेस है, यहाँ हमारी EMMC की क्लास भी चलती है, यहाँ हमारे EMMC के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के रखे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्यों एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए और क्यों आपने विश्वास करके यहाँ पर आए? अगर सीखना है तो एशिया टेलीकॉम आना है मोबाइल इंडस्ट्री में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट है, अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सभी स्टूडेंट का रिव्यू ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट का रिव्यू ले सकता हूँ। एक आखिरी में जाते जाते एक स्टूडेंट का रिव्यू लेना चाहूंगा, आप उठिए यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछा अगर मेरे पास एक फोन है और रिंगर के टिप्स पर रीडिंग नहीं है, रीडिंग आ रही है, वोल्टेज भी आ रहे हैं और दोनों बिल्कुल सही है, तो भी फिर उसका रिंगर नहीं बजा तो क्या चेक करेंगे सर? पहले पावर से इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे।
पावर से इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा रिंगर का इनपुट लाइन सही है कि उसके बाद में कौन सी एसी चेक करेंगे, पावर एसी करेंगे। तो पावर एसी थ्री एडआर पॉलिसी बताई थी, थ्री एडआर बताई थी, कौन कौन सी, पहला आर बताओ, दूसरा आर, तीसरा आर रिप्लेस। आपको कैसा लगा यहाँ इंस्टीट्यूट आके? बहुत अच्छा लगा सर, मैं एमपी से हूँ, एक विलेज से हूँ, दीपड़ जैसे और डिस्ट्रिक्ट सीओर से। आपने लाइव मोबाइल में सीपीयू निकाल के चालू में लगाया यहाँ पर, मतलब यहाँ हमने प्रैक्टिकली आपको पहले आते साथ ही आपको रिबोलिंग सिखाई, याद है पहले दिन रिबोलिंग सीखे, बहुत कम लोगों ने रिबोलिंग किया, पर उसको जब हमने दूसरे तीसरे दिन सिखाया तो आप लोग ने एक एक रिबोलिंग तीन तीन बार किया यहाँ पर। अब आपने ये भी सोचा जब रिबोलिंग कर दिया है तो ये चालू मोबाइल में आईसी बिठाकर ये भी देख ले कि हमारी रिबोलिंग सही है कि भी नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं करवाते हैं, जो अभी आप सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैंने हाइड करके रखा हुआ है क्या? कोई है क्या ऐसा स्टूडेंट? नहीं है यहाँ पर। सो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे ऐसा टेलीकॉम को क्यों करे? सबसे बेस्ट सिस्टम क्योंकि यहाँ पर सप्लाई पर बोले सबसे सप्लाई कैप्चर पर है। मैं भी सर पहले एक साल से काम करा हुआ हूँ, मुझे सप्लाई वगैरह का नॉलेज नहीं था ना कैप्चर का, किसी चीज का नॉलेज नहीं था, बाकी यहाँ की पता चला है सप्लाई वगैरह का नॉलेज क्या रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं इसके साथ में एक स्टूडेंट और उठाना चाहूंगा, सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहूंगा कि क्यों ईएमसी आपने ज्वाइन किया, क्या सोच के कि यार मैं, आपने ये सोच अभी ये सोच सकते हैं कि यार मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर लेता हूं, देख लेता हूं कैसा पढ़ा रहे हैं, बाद में ईएमसी कर लूंगा, पर आपने डायरेक्ट क्यों ईएमसी ज्वाइन किया, क्या क्या लगा था आपको हमारे लिए, क्या फीडबैक है? फीडबैक सर यहां तो मुझे प्रैक्टिकल यहां आने के बाद मैंने 5 दिन बाद सीखा तो मुझे ऐसा लगा कि हां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने से कुछ नहीं होगा, मुझे ईएमएमसी भी करना चाहिए क्योंकि मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो कर लूंगा लेकिन आगे का जो फॉल्ट है वो ईएमएमसी में जाके फंस जाऊंगा, तो मुझे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल, और यहाँ प्रॉपर ईएमएमसी की क्लास अच्छी होती है। आपके फीडबैक अभी हमारे जितने भी एमसी के स्टूडेंट है सब आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सर इंस्टीट्यूट छुपाते हैं स्टूडेंट को, है ना? आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूट वाले अपने दूसरी क्लास के स्टूडेंट से नए स्टूडेंट को मिलाते नहीं। रीजन क्या होगा थोड़ा बताओगे क्या रीजन है? हाँ क्योंकि उनको लगता है कि वो फीडबैक सही नहीं देंगे, पर आप तो जहाँ रह रहे हो उसी के दूसरे रूम में हमारे ईएमसी रह रहे हैं, ईएमसी वालों का क्या फीडबैक रहा हमारा? सर वहाँ से ईएमएमसी जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पहले उनसे हमारा बात होता है तो उनका फीडबैक सुन के हमने देखा कि हाँ जब इन्होंने फीडबैक दे रहे तो हमें भी करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आऊँ इतना दूर से तो थोड़ा मैं फिर नहीं आ पाऊंगा इससे अच्छा, इसलिए आपने ज्वाइन किया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। तो एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए जरा, एक बार फिरोज सर के लिए ताली बजाइए, एक बार हमारे साहिर सर के लिए ताली बजाइए। तो थैंक यू वेरी मच आपका, आप सभी लोगों का हमारे पर ट्रस्ट करने का। तो इसी के साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? ऑल ओवर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? टोटली देखे तो बहुत बहुत एक्साइटिंग हूँ मैं सीखने के बाद। अब जाकर काम करने के लिए लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यहाँ तो बहुत नॉलेज मिल गया मेरे को, जाके प्रैक्टिस भी बहुत करना है। तो क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा, अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे बस काम में, हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यही आना पड़ेगा और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाके सीखने की अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना इसी पे आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहते? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज करो, नंबर वन बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक जाना है, आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर वन बन जाएगा। दिल से बोल रहे हैं आपके, मैं जबरदस्त बुलवा रहा हूँ, मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ, दिल अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो
मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पे आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार सर, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया, वेरी गुड। 5 बार सर, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है। यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चाहिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने। 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार। नंबर बोलते रहो, 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर, 14 बार। क्या बात कर रहे हो, इतना 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, 2 बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 2 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस जिस